केशव। मेरा नाम पूजा है। संयम। हिमांशु यादव। कहाँ से आए हो? दिल्ली से? दिल्ली में से। मैं आया हूँ प्रताप नगर से। प्रताप नगर। मैं इंदिरापुरी गाजियाबाद से। कैसा रहा एग्जाम? एग्जाम मैंने बाकी शिफ्ट का एनालिसिस किया था जब, तो ये शिफ्ट बाकी शिफ्ट से कहीं ज़्यादा ईजी थी। आई मीन मैथ्स बाकी शिफ्ट में बहुत लेंदी और डिफिकल्ट आ रही थी, पर इसमें ऐसा नहीं था। इसमें मैथ्स ईजी भी थी एंड लेंदी भी नहीं थी ज़्यादा। और फिजिक्स और केमिस्ट्री? फिजिक्स एज यूजुअल जैसे ईजी आ रही थी, ईजी आई थी आज भी। और केमिस्ट्री वी कैन से मॉडरेट, लेंदी नहीं था पर क्वेश्चंस वर लाइक मॉडरेट लेवल। तो कौन से क्वेश्चन तीनों सेक्शंस में कौन से सब्जेक्ट जो थे वो डोमिनेटिंग थे? आई थिंक केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक पी ब्लॉक वॉज डोमिनेटिंग एंड फ्रॉम फिजिक्स आई गेस वेटेज वॉज इक्वल फ्रॉम ऑल चैप्टर्स एंड मैथ्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एंड स्पेशली 11th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D के सिर्फ दो क्वेश्चन आए थे आई गेस एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11th की ज़्यादा थी। एग्जाम केमिस्ट्री का थोड़ा हार्ड था लेकिन फिजिक्स का जितना भी पार्ट था सिर्फ 12 से इलेक्ट्रोस्टैटिक से आया था और इलेक्ट्रिक फील्ड से आया था, बाकी मोस्ट ऑफ द पार्ट 11 से आया था फिजिक्स में। हाँ, केमिस्ट्री का मॉडरेट था पेपर। अच्छा, ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा। उसमें कौन से टॉपिक में से आया था? केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक ज़्यादा था। ऑर्गेनिक ज़्यादा था। ऑर्गेनिक और फिजिकल तो बहुत कम था। और इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक भी था लेकिन सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक था। और मैथ्स का तो मैथ्स का भी मॉडरेट था, मतलब फिजिक्स तो थी वो ज़्यादा टफ थी। हाँ, फिजिक्स कह सकते क्योंकि 11th का ज़्यादा पार्ट आया था। एग्ज़ाम ठीक था, एग्ज़ाम मतलब ज़्यादा मुश्किल भी था, ज़्यादा आसान भी था। फर्स्ट अटैम्प्ट था, सेकंड अटैम्प्ट था? फर्स्ट अटैम्प्ट है मेरा। फर्स्ट अटैम्प्ट ना? हाँ जी। तो कैसा डिफिकल्टी लेवल था ओवरऑल एंड सेक्शन वाइज? ओवरऑल तो नहीं, हाँ सेक्शन वाइज मैथ्स थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा और फिजिक्स भी था थोड़ा, केमिस्ट्री ईजी थी, थोड़ी प्रॉब्लम आई वो फिजिक्स और मैथ्स में आई बस। मतलब प्रॉब्लम लाइक कुछ क्वेश्चंस आते ही नहीं थे कुछ में वैसे था, मुझे लगा कुछ क्वेश्चंस का करेक्शन होगा शायद। हाँ, समथिंग ऐसा कुछ तो नहीं था? नहीं नहीं नहीं। फिजिक्स में कौन से चैप्टर टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री में मैथ्स में? वैसे तो सब में से ही आया था, मतलब हर क्योंकि 11th के भी हैं सारे और 12th के भी हैं तो सब में से आया है। फिर भी कोई एक टॉपिक जो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग? डोमिनेटिंग में 11th का ग्रेविटेशन और एक तो यही था, मतलब उसी से आया था ज़्यादा, और एक वो रोटेशनल मोशन ठीक था, ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, ज़्यादा बुरा भी नहीं था। तो कितने कैसा अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का देखूँ? मेरे को मैथ्स में ज़्यादा हार्ड लगा था। मैथ्स में जैसे जो वैसे इजी टॉपिक्स होते हैं लॉजिकल रीजनिंग स्ट्रेटजी, उनसे एक भी क्वेश्चन नहीं था ना। अच्छा, और मैथ्स में वैसे किस में से था ज़्यादा? डिफरेंशियल इक्वेशन से चार क्वेश्चन आ गए थे। ओके, एंड फिजिक्स और केमिस्ट्री में कौन से डोमिनेटिंग थे टॉपिक्स? केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल सारी और सेक्शन बी में थी, उससे पहले ऑर्गेनिक थी 20 MCQs और फिजिक्स में मेरे को थोड़ी हार्ड लगी थी। ओके, तो अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूँ सेक्शन वाइज तो कैसा था? नहीं, इंटीजर टाइप ज़्यादा हार्ड थे जो सेक्शन बी था। हर सब्जेक्ट में? हर सब्जेक्ट मुझे बी लगा, मुझे लगा वो। और तीनों सेक्शंस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे? 25 25 25। और अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो मतलब कितने MCQs थे और कितने जो थे? 20 MCQs इन ईच एंड 5 न्यूमेरिकल वैल्यू इन ईच। ओके, सो ओवरऑल कैसा रहा एग्जाम? ओवरऑल अच्छा गया, लेकिन डिफिकल्ट टफ ईजी या मॉडरेट? इसको मैं ईजी दूंगा और आई थिंक इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाएगी इस शिफ्ट की। ये सेकंड अटेम्प्ट है या फर्स्ट अटेम्प्ट है? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। मॉडरेट कह सकते हैं इस टाइम तो। मॉडरेट कह सकते हो ना? कह सकते हैं। तो कितने क्वेश्चंस थे तीनों में? कितने? तीनों में कितने क्वेश्चंस थे? न्यूमेरिकल सबके 5-5 थे और बाकी सबके MCQ टाइप 20-20 हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन। कोई और एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर किया है? अभी तो नहीं किया मैंने, सिर्फ यही। हाँ, अभी सिर्फ यही। तो अगर मिलता है तो किस में जाना चाहोगे? जेई में आई गेस NIT, एनी गुड NIT विद CS ब्रांच। नहीं, अभी तो नहीं भरा, यही भरा है। अच्छा, तो वैसे अगर मिल जाता है एडमिशन तो कहाँ जाना चाहोगे? IIT दिल्ली में। आपका? नहीं, इसके बाद अभी सिर्फ जेई है तो मतलब इसके बाद बेट्स का दूंगा। बेट्स पिलानी कोई और सोचा है इसके अलावा? नहीं, और CIT SRM कोई नहीं? नहीं, वो तो इंजीनियरिंग के लिए होगा ना, इंजीनियरिंग के तो सारे ही दूंगा ना। वैसे मैंने सुना VIT का इस बार JEE Mains के स्कोर पे हो रहा है।